हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का शेफ़। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, चिकन का अचार। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से घर में चिकन का अचार कैसे बना सकते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक डिप बॉल। डिप बॉल के अंदर हम डालेंगे चिकन। आप इस तरीके से काट लें और ये चिकन ब्रश लिया है मैंने। चिकन का वजन है 600 ग्राम। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और विनेगर। विनेगर आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है ये हल्का डूब जाए इस तरीके से। ये देखिए, इसमें कम से कम आधा कप विनेगर लग जाएगा और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होगा तब तक हम इसका मसाला बना लेंगे। उसके लिए हमको एक मिक्सी का जार चाहिए। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच काली मिर्च। ये सारे मसाले आपने मोटे मोटे पीसना है, जिसको बोलते हैं दरदरा, ऐसा आपने पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है। मैं आपको पीस के दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने इस तरीके से दरदरा पीसना है क्योंकि अचार में थोड़ा मोटा मोटा मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा मैंने चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है और उसके मसाले भी पीस लिए हैं। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए, जब इस तरीके से मैरिनेट हो जाएगा आधे घंटे के बाद, आपने इस तरीके से ऐसे दबा दबा के चिकन को निकाल लेना है। दबाना बहुत ही जरूरी है, एकदम सूख जाए। ये देखिए ऐसे निकाल लें। आप चिकन को लेमन में भी भिगा सकते हैं अगर आपके पास विनीगर नहीं है, लेकिन विनीगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपने नचोड़ लेना है। नचोड़ने के बाद अब हम मारेंगे तड़का। तड़का मारने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसके अंदर डालेंगे तेल। आपने कम से कम 150 से 200 ग्राम तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें सबसे पहले डालेंगे दालचीनी, आप 2 स्टिक डाल दें, 6 लौंग, आधा चम्मच दक्षिणी मिर्च और आपने 5 लाल मिर्च डालना है। उसको 1 का 2 तोड़ लें। ये देखिए इस तरीके से। ये सब गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन आपने साबुत डालना है, इस तरीके से आप छील लें 10 पीस। 1 इंच अदरक इस तरीके से आपने काट लेना है। ये सब डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने गार्लिक में ज़्यादा कलर नहीं लेना है क्योंकि हमने अचार बनाना है। हल्का सा कलर आने के बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन और इसको चला देंगे। अब आपने इसको अच्छे से पकाना है, एकदम भून लेना है। जैसे अकोड़ते हैं इस तरीके से अकुड़ जाना चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, पानी नहीं डालना है आपने। जब आप इसको ऐसे चलाते रहेंगे पकते पकते पानी बिल्कुल सूख जाएगा, सिर्फ तेल रहेगा। अब हमने इसको तेल में अच्छी तरीके से अकोड़ना है, मतलब ये साइड में हल्का हल्का कलर आ जाएगा, तब तक आप इसको अकोड़ते रहें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, साइडें हल्की हल्की लाल हो चुकी हैं। आप इसी तरीके से इसको अकोड़ते रहें तेल में। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना है। जब आप इसको डीप फ्राई करते हैं तो इसकी जो खुशबू है, जो इसमें फ्लेवर आना चाहिए, वो कम हो जाता है क्योंकि वो तेल में चला जाता है। आपने इसी तरीके से तेल डाल के इसी में फ्राई करना है अच्छे से। और अभी हम थोड़ा सा लाल और करेंगे। इस तरीके से कलर आने के बाद आपने गैस स्लो कर देना है और जो हमने मसाले पीसे थे वो आप इसमें डाल दें। मसाले डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और विनेगर। ये सब डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें और स्लो गैस में आपने इसको अच्छे से पकाना है। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूंगा। आप भी इसी तरीके से गैस बंद कर दें। इस तरीके से आप इसको बना लें। आप इसको बोतल में स्टोर करके आराम से 1 महीना तक रख सकते हैं। 1 महीना आराम से चलेगा, ख़राब होने वाला नहीं है, लेकिन आपने बनाना इसी तरीके से। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही शानदार रेसिपी, चिकन का अचार, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया आप आसानी से घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।